हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू नर्सर ऑनलाइन क्लास। अब मैं आपको हिंदी की कॉपी में काम करा रही हूँ, ठीक है। हिंदी की कॉपी हमारी कितनी लाइन वाली होती है बेटा? 5 लाइन वाली। चलिए, सुबह हमने आज चढ़ा खाली तक करा था, उसका नेक्स्ट पेज निकाल के सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डालेंगे। जल्दी जल्दी डालेंगे सभी बच्चे। और डेट क्या है हमारी? 6-9-2021। अब यहाँ पर डाल दो CW, यानी कि हमारा क्लास वर्क, ठीक है। और ऊपर अपना नेम डालेंगे। सपना कर लिया इतना? चलिए अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे खाली स्थान, ठीक है। लिखो खा पे आ की मात्रा, और खा लिखो ला पे बड़ी ई की मात्रा, खाली। फिर वन फिंगर का गैप छोड़ के फिर ब्लू लाइन पर लाइन बनाएंगे, आधा सा। फिर था थर्मस, था पे आ की मात्रा, स्थान, खाली स्थान। फिर वन फिंगर का गैप छोड़ो, लिखो भा से भालू, फिर रा से रथ, और रा पे ओ की मात्रा, खाली स्थान, भरो। जैसे कि हमने इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स करे थे, है ना, सेम आपका इसमें ये खाली स्थान भरो। चलिए नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे ई इमली, लिखो। फिर वन फिंगर का गैप छोड़ो, वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, इसको छोड़ दो। फिर वन फिंगर का गैप छोड़ो, लिखो यहाँ पे छोटे उसे उल्लू। फिर वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, अब फिर वन फिंगर गैप छोड़ के लिखो री से ऋषि, हो गया। अब इसको हम बाद में फिल करेंगे, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, लिखेंगे का से कबूतर, वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे। फिर ग से गमला, और देखिए गा से गमला मैंने लाइन से टच नहीं किया है। फिर वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, देखो अणा खाली, हो गया। अब लिखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, लिखो बड़ी ऐसे ऐनक। फिर वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, लिखो यहाँ पे अ से औरत, एक लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे। अब लिखो बड़ी अंगा खाली, हो गया। फिर नीचे आ जाओ, लिखो यहाँ पे आ से अनार, वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, छोटे ऐसे अनार। फिर डैश, फिर लिखो यहाँ पे अक्षर के नीचे अक्षर, ई से इमली। फिर वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, लिखो ऊ से उल्लू, हो गया। अब नीचे आ जाओ, लिखो री से ऋषि। फिर वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे, लिखो यहाँ पे ए से ऐनक, वन लाइन ऊपर, वन लाइन नीचे। फिर बड़े ओ से औरत, हो गया इतना सभी का, कर लो पहले। हो गया, चलिए अब इसको फिल करेंगे। अब ये कौन सा अक्षर है? ई से इमली, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई के बाद क्या आएगा यहाँ पर? बड़ी ई से ईक, लिखो यहाँ पर बड़ी ई से ईक। और कोई भी अक्षर लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए, लिखो। फिर छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन। बेटा बोल बोल के लिखोगे तो आपको अक्षर बनाने भी आ जाएंगे और लिखना भी आ जाएंगे। री से ऋषि, अब लिखो का से कबूतर के बाद ख से खरगोश, बनाओ मेरे साथ सर। फिर गा से गमला, अब
घ से घड़ी, घर भी होता है घड़ी भी होता है। फिर अणा खाली हो गया। अब क्या है नीचे देखो, बड़ी ऐसे ऐनक, बड़ी ऐसे ऐनक के बाद क्या आता है, ओ से ओखली, फिर बड़ी और से औरत, बड़ी और से औरत के बाद क्या आता है, अंग से अंगूर, और बड़ी अंगा खाली। ओके सब कर रहे हो ना अच्छे से। अब नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा है, छोटे यहाँ से अनार, छोटे यहाँ से अनार के बाद क्या आता है बताओ, लिखो, बड़े आ से आम, फिर छोटी ई से इमली। अब आ जाओ यहाँ पे लिखो, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू। फिर नीचे आ जाओ, अब क्या लिखा है, री से ऋषि, री से ऋषि के बाद ए से एड़ी, ए से ऐनक, और ओ से ओखली, बड़ी औरत, बड़े और से औरत। ये हमारा क्लास वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे और होमवर्क डालेंगे। सुबह हमने आज अणा खाली करा था, फिर करना है, क्योंकि मैं इसलिए वजह से करा रही हूँ जिससे कि आपकी राइटिंग प्रॉपर हो, राइटिंग नहीं अच्छी हो रही बेटा आप लोगों की। लिखो डैश डालो, डेट डालो, 6-9-2021, फिर ऊपर डाल दो H.W. और यहाँ पर अपना नेम लिखो, यहाँ पर अणा खाली, अणा खाली देंगे सॉरी, आग से अंगा तक लिखेंगे आज इसमें, है ना। हेडिंग डालो फिर वन फिंगर का गैप छोड़ो, लिखो सा पे एक ही मात्रा, फिर बड़ी अंगा खाली, लिखो बड़ी अंगा खाली तक लिखना है। यहाँ पे देखो छोटे ऐसे अनार, फिर टू फिंगर का गैप छोड़ो, बड़े ऐसे आम, फिर टू फिंगर का गैप छोड़ो, छोटी ई से इमली, फिर टू फिंगर का गैप छोड़ो, बड़ी ई से ई, इसी के नीचे फिर आ जाओ, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, बड़ी अंगा खाली। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे प्रॉपर लाइन पर, ठीक है, लाइन से टच करके लिखेंगे, और ये आपका क्लास वर्क है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।